अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है कि बड़ों का काम है कि वो पहल करें। राव कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में? निकट भविष्य में क्या होगा इस बात की घोषणा तो आज नहीं की जा सकती। आगे पार्टी के लिए क्या विशेष रहेगा चुनाव प्रचार को लेकर? 10 की 10 लोकसभा सीटें, हम तो जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के। हमने पिछले साढ़े चार वर्ष में सरकार में रहते हुए जो काम किए उनको लेकर के लोगों से यही कहेंगे, दोबारा अवसर दोगे तो इससे ज़्यादा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है लोकसभा, क्या कांग्रेस पार्टी की तो 10 साल में संगठन की लिस्ट भी जारी नहीं हुई, रोज लठम लठा रहते हैं। आपके चैनलों पे भी मैं तो सुनता रहता हूँ कि अब 10 दिन में हो जाएगी, अभी 15 दिन में हो जाएगी, 3-3 अध्यक्ष बदल गए, 5-5 प्रभारी बदल गए, और कितना ही समय बदल गया पता नहीं। नए मुख्यमंत्री आने के बाद कुछ संभावनाएं हैं बीजेपी के साथ आने के? नए मुख्यमंत्री से खुद से ही पूछ लो, वो मुख्यमंत्री अपने आप को मानते भी हैं कि नहीं है? अब तक तो उनको खुद कोई विश्वास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं क्या। जेजेपी पार्टी का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारा चेहरा तो दुष्यंत चौटाला है। अगर ये बात की जाए जिस तरह आपने 9 अभी बाकी है आपके, आपके परिवार से कितने सदस्य और कहां से चुनाव? हमारा एक सदस्य परिवार का हिसार से चुनाव लड़ेगा, जिसका हम पहले भी घोषणा कर चुके हैं। कौन होगा? नैना सिंह चौटाला? कोई भी हो सकता है, दिग्विजय भी हो सकता है, नैना भी हो सकती है, दुष्यंत खुद भी लड़ सकते हैं।